नमस्कार दोस्तों, आज आपको कक्षा पहले में केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म कैसे भरते हैं, यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए कैसे दिखता है। यहाँ पे फॉर्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश पढ़ना है, पहले प्रथम बार पंजीयन करना है, प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉग इन करना है और दस्तावेज अपलोड करना है, घोषणा करना है और आवेदन जमा करने होने की सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद में आगे वाले निर्देश पढ़ेंगे कि मूलभूत जानकारी, अभिभावक की जानकारी, विद्यालय का चुनाव करना है, दस्तावेज अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले बच्चे का नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का सरनेम जिसको उपनाम कहते हैं, यदि बच्चा विकलांग है तो हाँ और अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में बच्चे की जन्म तारीख, यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे कि बच्चा क्या बच्चे के माता पिता या फिर दादा दादी कोई केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है या फिर रिटायर हो गए हैं। उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस टाइप करना है और मोबाइल नंबर। इस पर कभी भी अपने जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो अनिवार्य डालना है। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे हमारे पास OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाएगी जिस पे हमारे पास कोड रहेगा और गो टू लॉगिन पर हमको क्लिक करना है। हमारे पास लॉगिन कोड आ जाएगा और पासवर्ड जो रहेगा वो बच्चे की जन्म तारीख रहेगी। जैसे लॉगिन टू पे हम क्लिक करते हैं तो आगे वाला पेज हमारे पास ओपन होता है जहाँ पे लॉगिन कोड दर्ज पहले से रहेगा, मोबाइल नंबर डालना है और बच्चे की जन्म तारीख डालना है, कैप्चा डाल के हमको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन हम इन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया पेज ओपन होगा। देखिए कैसा पेज होता है, जन्म तारीख वगैरह डाल दी है, अब हम लॉगिन पेज पे करेंगे ओके। तो इसके पास हमारे पास पूरे बच्चे की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में हमको यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ आएगी सामने जिनको हमको एक एक करके ध्यान से पढ़ के फिल करना है। यहाँ पे पूरे बच्चे की भी जानकारी फिलअप होगी। आगे वाले पेज पे देखिए, यहाँ पे लिंक चॉइस करना पड़ेगा, कॉस्ट, फिर उसके बाद में कौन सी कास्ट का है, SC ST OBC जनरल, फिर यहाँ पे परिवार का आय वर्ग कौन सा है और फिर आएगा रक्त समूह। अगर आपका ब्लड ग्रुप पता हो तो आप यहाँ चूज कर सकते हो। सेव करके नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आगे का पेज ओपन होगा, तो ध्यान से देखते रहिए। जैसे ही हम सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे हो जाएगा। हमको यहाँ पे राज्य चूज करना है और विद्यालय का नाम चुनना है। उसके बाद में सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें राज्य चुनेंगे, विद्यालय चुनेंगे और फिर इसके बाद में हमको बताना पड़ेगा कि विद्यालय 5 किलोमीटर से कम है या 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर कम है तो आप RTA के दायरे में आ जाओगे। क्या आपको सेवा श्रेणी चुनने में मदद चाहिए, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यहाँ पे आपको सभी श्रेणियाँ दी गई है, सेवा श्रेणी दी गई है नीचे, उनमें से आप जो भी सेवा श्रेणी में आते हो उस पर क्लिक करके आपकी सेवा श्रेणी का चयन कर सकते हो। पहले है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, दूसरी भारत सरकार के स्वायत्त निकायों के लिए, तीसरी राज्य सरकार के और चौथा भी राज्य सरकार के लिए कुछ है और पाँचवा भी है। पांच है यहाँ पे श्रेणियाँ, इसमें से आप जिस श्रेणी में आते हो उस पर क्लिक करके अपनी श्रेणी का चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सब कर लेंगे उसके बाद में दूसरे चॉइस में भी यही काम करना है और तीसरे में भी यही करना है। फिर उसके बाद में नीचे आएगा आपके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स या दादा दादी जो भी है क्या KV में कार्यरत है, अगर है तो वहाँ पर चूज करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा कैसा चॉइस 2 में भी और चॉइस 3 में भी कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे वाला पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा जो कि 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बच्चे का नया पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी 256 KB के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपलोड कर देंगे।
ये पूरे इंस्ट्रक्शन पर ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे का पेज ओपन होगा। यहाँ पे माता का विवरण पूरा दर्ज करना है और फिर वैसा का वैसा ही सेम पिता का विवरण भी आएगा, जो आपको ध्यान से पूरा देख के फिल करना है, कोई गलती ना हो ध्यान रखे। ये सब काम मोबाइल से ही कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे। यहाँ से देश, राज्य, शहर, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सभी डालना है। जहाँ जहाँ पे स्टार है उसको फिल करना अनिवार्य है। अगर उसको फिल नहीं किया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा। पिन कोड यहाँ अपनी इच्छा हो तो डाल दो, टेलीफोन घर का नंबर हो तो डालो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी। जहाँ जहाँ स्टार है वो भरना आपको अनिवार्य है। जैसे फिर व्यवसाय का चयन भी, संस्था का नाम जहाँ कार्यरत है, आपकी इच्छा हो तो ये डाल सकते हैं, वरना आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप कैप अप्लीकेबल है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे पिता का विवरण भी सेम टू सेम माता के विवरण जैसा ही है। जहाँ स्टार है वहाँ पे आपको फिल करना अनिवार्य है। अगर आप स्टार वाले को फिल नहीं करेंगे तो वो फिल नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगी। पिता की जानकारी भी ध्यानपूर्वक भरे, कोई गलती ना हो, नहीं तो बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जो हार्ड कॉपी जमा करेंगे वहाँ पे स्कूल में और जो फॉर्म में भरेंगे वो सब सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास आगे का पेज ओपन हो जाएगा। ये अभी हम दूसरी प्रोसेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे सेव नेक्स्ट पे ये करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा, जहाँ पे इसको पूरे सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद में नीचे हमारे पास यहाँ प्रमाणीकरण आएगा, सेव एंड प्रीव्यू। आप प्रीव्यू देख लीजिए कि सब फॉर्म सही तरीके से भर गया है नहीं। यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे कि मैं इनसे सहमत हूँ। उसके बाद में सबमिट अप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक जानकारी मैसेज के द्वारा और ईमेल एड्रेस पे दे दी जाएगी और यहाँ पे एस पे सबमिट करेंगे तो आपका अप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप ये करोगे तो हमारे पास एक मैसेज आएगा, सबमिशन ओटीपी सत्यापित करें, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दीजिए तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद।